वादा किया वादा निभाया। 14 महीने में 5 गारंटियां पूरी। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू। युवाओं के लिए 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्टार्टअप योजना शुरू। सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से इंग्लिश मीडियम शुरू। दूध पर MSP देने वाला हिमाचल बना देश का पहला राज्य। गाय का दूध 45 रुपए प्रति लीटर और भैंस का दूध 55 रुपए प्रति लीटर खरीदेगी हिमाचल सरकार। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना। 18 साल से ऊपर सभी पात्र बहनों और माताओं को 1500 रुपए मिलेंगे प्रति माह। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस के 6 बागी विधायकों के खिलाफ दर्ज करवाई गई FIR को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि जिन 6 विधायकों ने भाजपा को राज्यसभा में समर्थन दिया उन विधायकों के खिलाफ FIR दर्ज कर उन्हें प्रताड़ित करने का प्रयास हो रहा है। उनके परिवारों को भी सरकार परेशान करने पर तुली है। साथ ही जयराम ठाकुर ने कहा ऐसा करना दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार अपना बहुमत खो चुकी है और इसीलिए इस प्रकार का कृत्य हो रहा है। यदि बहुमत है तो उसे साबित करें। सरकार तुरंत प्रभाव से इन FIRों को वापस ले, नहीं तो फिर सरकार को भविष्य में इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। पार्टी के जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के कैंडिडेट को सपोर्ट किया उनके ऊपर जो लगातार दबाव बना रहे हैं उनके परिवार के ऊपर दबाव बना रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि वो कतई भी उचित नहीं। विधायकों ने अपनी ओर से बड़ा साफ कहा है कि हम अपनी मर्जी से हैं, अपनी सहमति से हैं, जहां भी हैं आनंद से हैं, खुशी से हैं। और जो FIR दर्ज की गई है विधायकों के खिलाफ, उनके परिवारजनों के खिलाफ, उसकी कड़ी निंदा करता हूं। और मेरा इस बात के लिए आग्रह है कि हिमाचल प्रदेश में इस तरह की परिस्थितियां कभी होती नहीं।